अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन विद न्यू व्लॉग। और आप सभी का स्वागत है मेरे एक ट्रू लाइफ व्लॉग में। तो मैं आप लोगों के साथ ना हेल्दी रेसिपी शेयर करूंगी जो आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प करने वाली है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ओट्स की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, जिसके लिए ले लिया मैंने बाउल। उसमें ऐड कर दिया है 1.5 कप मिल्क और इसमें मैं डालूंगी 1.5 कप और 2 कप मिल्क डालूंगी। तो आप क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बोली थी कि हम वेट लॉस के लिए बना रहे हैं। तो इसमें हम शुगर स्किप करेंगे, हम इसमें हनी ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने हनी ऐड कर दिया है। आपके पास इसको हेल्दी बनाना है, अगर आपको ब्रेकफास्ट में खाना है ना, तो आप इसको मस्ट इसमें नट्स वगैरह डाल दें। और आपकी जो मर्ज़ी आप इसमें ऐड कर दें डेकोर के लिए, खाने के लिए, और ये बहुत हेल्दी होता है। तो मैं इसमें नट्स वगैरह ऐड कर दी हूँ। तो ये हमारा जो ओट्स है बिल्कुल रेडी है। तो दूसरी जो रेसिपी हमारी है वो है हमारा प्री वर्कआउट सलाद। तो हम इसको दोपहर में खा सकते हैं, अगर आप चाहें तो दोपहर में खाने के साथ खा सकते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सलाद ही खाना होता है। तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, इसमें मैंने अनियन और इसमें डाल दिया है टोमेटोस, कुकुम्बर, चिल्ली फ्लेक्स ऐड किया है मैंने। अगर आप चाहें तो मिर्ची को कट करके भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने लेमन का जूस है वो मैंने ऐड कर दिया है इसमें। और जो बीज वगैरह है ना, सब इसको निकाल देना, क्योंकि फिर वो कड़वा कड़वा मुँह में लगता है। तो यहाँ पर मैंने बीज निकाल दिए और जो हमारा सलाद है ये बनकर तैयार है। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, यकीन करें। तो मस्ट है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। ये सलाद बहुत इजी और बहुत हेल्दी भी है। तो हमारी जो तीसरी रेसिपी है वो भी ओट्स की है। तो ये हम रात में खा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको भी लंच में खा सकते हैं या फिर डिनर में, आपकी टोटली चॉइस है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है सबसे पहले एक बाउल। उसमें इस कप से ना मैं 2 कप डालने वाली हूँ। मैं दिखा रही थी कि मैं 2 कप डालने वाली हूँ, लेकिन मैं इसमें फिर 1 कप ली थी और फिर 1.5 ली थी। और उसके बाद मैंने इस कप से ना 2 कप मिल्क ऐड की थी, क्योंकि 2 कप मिल्क हम मतलब हमारे जो ओट्स है उसको सोख लेगा ना, इसलिए मैं इसमें ऐड कर दी हूँ 2 कप ऑफ मिल्क। इसको मैं मैंगो से डेकोर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे मैंगो बहुत पसंद है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि सीज़न लास्ट चल रहा है, तो यहाँ पे ना हम इसको मैंगो और आपके पास जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेट लॉस में हेल्प करने वाला है। तो इस लिहाज से अगर आपको डेली भी खाना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे इसके। तो आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, कुछ हेल्प मिली हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अल्लाह हाफिज़।